हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे रहोगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हमारे घर पे आए हुए हैं, मेरे भाई लोग ही आए हैं, पर आज के दिन हमारे गेस्ट है वो लोग, तो उनके लिए हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं। मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, दीदी कविता दी और भाई बना रहे हैं, और मैं बस आज करने वाली हूँ ब्लॉग शूट, और बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। एक एक क्लिप आपको दिखाऊंगी, मस्ती भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और घर का होम टूर ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, हम लोग न्यू घर में हैं अभी, यहीं पे मैं कुछ दिनों से रह रही हूँ, पर मैंने अभी तक न्यू रूम का कुछ भी ब्लॉग नहीं डाला है, पर जल्दी डालूंगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। चलो अभी मैं आपको ब्लॉग में मिलाती हूँ सबसे, कौन कौन घर पे आया है और लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब भाई दी सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, चलते हैं। गाइज, ये है विकास भाई जो आज आए हमारे घर, और आदर्श भाई कहाँ है? गाइज, अनुज भाई का नाम हम लोग ने आदर्श रख दिया है, क्योंकि विकास भाई बोलता है कि अनुज नाम सही नहीं है, इसलिए हम लोग ने आदर्श रख दिया है। आदर्श बोलते हैं, वो अभी बाथरूम में गया है, चलो किचन में लेके चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है? पनीर। कौन बना रहा है? मैं कविता। रेसिपी किशन की है और मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ। मैं हूँ आदर्श। ये रहा आदर्श भाई, आ गया फ्रेश होके, बाहर कुछ खाने गया था तो फ्रेश होने के लिए। सी सी, खाने तो नहीं गया था, मंदिर सीजन घूमने गया था। उधर ही उधर ही उधर। आज अनुज का नया नामकरण हुआ, तो आज हम इन्हें अनुज से, आज से हम इन्हें अनुज नहीं बोलेंगे, आज से हम इन्हें बोलेंगे आदर्श। आदर्श भाई, आदर्श पांडे। बोले चिल्ला मत, आदर्श परेरा। परेरा मतलब सरनेम है। अच्छा, माय सरनेम इज पांडे। ओके, आदर्श पांडे। फालतू में नहीं परेरा। गाइस, ये बंदे को वाइट ब्लड की कमी पड़ी है, तो ये बंदा ड्रैगन फ्रूट लेके आया खाने के लिए। क्या करूं भाई, लगता है कि ये वाइट ब्लड कम होगा इसके अंदर। नहीं भाई, तू मुझे दे दे, थोड़ा इसको बोलो कि थोड़ा मुझे व्हाइट ब्लड दे दे। देखो मैं कहा, ये कहा, ये मुझे खाना चाहिए, उल्टा ये खा रहा है। आप बताओ किसे खाना चाहिए? प्रूफ है कि तुम दोनों की चीजें मिलती है। मेरी बड़ी बहन है वो, मेरी बहन है तो मिलनी ही चाहिए ना। क्या प्रूफ है कि तुम? ना ना ना, हम लोग फालतू गिरी करते नहीं है, हम लोग कोई भी चीज ऐसा नहीं है। कोई नहीं मिला, कविता दीदी को लपेट लिया। हम लोग फालतू गिरी नहीं करते हैं। ये भी अनुज निकली। क्यूट है, वो कविता परेरा है। परेरा नहीं है वो, सोलंकी है। हाँ। लेकिन तेरा वजन क्यों बढ़ रहा है भे? अरे तो स्ट्रगल करने के लिए बोलेगा, खाते पीते कोई बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ आदर्श, मैं किशन, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना भाई, परेरा भाई चिपक जाएगा तू। मैं ट्रीटमेंट करके कम हो जाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है। अच्छा, आशी का बर्थडे है समझा? लेकिन तू तेरा देख, मेरा मत देख, नियत अच्छी होनी चाहिए, काम तो होता ही है। हाँ भाई, मैं तो बहुत खराब इंसान, तू एक नंबर का घटिया इंसान है। कोई ये हो गया इसका, इसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। वो जॉली उसको बोलने की बीमारी है। अनुज जॉली बॉय ज्यादा सूट करता था, आदर्श जॉली बॉय नहीं उतना सूट करेगा। अरे सूट करेगा भाई तू। सो गाइस, आज हम मेरे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, पनीर और पूरी बनेगी, राइस बनेगी। और परेरा भाई, आप क्या खाओगे? डुकत। सॉरी, पोक। पोक नॉट डुकत, पोक। और वो खाता तो इट्स हर चॉइस, खान भाई न्यू चॉइस। सो गाइस, आप बोलो। हाँ, ये हम सबका लाडला है, इसलिए हम लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे भाई को। रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। क्या रहा, समझ गया? तो हम लोग का लाडला है ना, मजे उसके लिए जाते हैं जो अपना होता है। मोदी जी का कौन है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मोदी 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 से बात। मोदी मोदी का कौन है? हेलो हेलो, मेरे भाइयों बहनों। हाँ बोलिए ना मित्रों। और बताओ कैसे हो? उस दिन रेस्टोरेंट में बैठा था उधर मोदी को। मोदी का फोन नहीं है, ये मायावती का फोन है। क्या क्या बात कर रहे हैं? हेलो, मायावती को बोलना है कि तुम्हारी सरकार गिर जाएगी इससे। नहीं, उसकी सरकार आई ही बहुत टाइम हो गई, अब नहीं आएगी। हेलो, अब बाबा आ गए। परे ना भाई, चर्च चर्च में से किसी का नंबर लेकर आए।
मैं जीना चाहता हूँ, मत मार यार। ये बात कर रहा है तू, जाके वहाँ पे किसी से बात कर रहा है, रखना अपन बात। हो गया जली जली जली, इस लड़के की पूरी तरह जली। अब आप ही बताओ कौन सही है कौन गलत है। अभी हम सब यहाँ पे बैठ के बात, मेरी ऑडियंस पूछना चाहती है कि परेरा भाई किससे बात कर रहा है। परेरा भाई मतलब आदर्श भाई। बाकी आपने समझदार अच्छा, एक बात बता, तेरा भाइयों की किसका भाई हूँ मैं? मेरा भाई है कब से मैं? नहीं तो आदर्श भाई है, मैं आदर्श बोलने जा रही थी, परेरा नहीं। तो गाइस आपने मिल लिया सबसे, अभी कंटिन्यू मस्ती चालू है और मैं अभी शूट कर रही हूँ कविता दी के रूम में। मेरे रूम में आपको जल्दी दिखाऊंगी, थोड़ा वेट करो। ये मेरा रूम है। हाँ तो रूम तेरा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रूम तेरा है लेकिन कुछ टाइम के लिए कब्जा मैंने किया है तो थोड़ा सा हो रहा है। हेलो ठीक है भाई जा फिर, कब कितने मिनट के लिए जा रहा है? जा जा जा, थोड़ा सा बात करता हूँ। भाई तू कुछ बोलना चाह रहा था ना अभी? अंदर पैसा ऐसा तो नहीं रखी है ना? नहीं पैसे तो 50 रुपए रखे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या बोलूं, मैंने नाम सुना कि अनु जा रहा है तो मैंने चिल्लर यहाँ पे रखा था, मैंने चिल्लर अपना जेब में डालने वाला, नहीं बाहर नहीं रहेगा। एक नंबर का कमीना साहब है, बहुत बेकार घटिया इंसान है। अनुज भाई का इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रहा है जो वो इधर बंद करके बातें कर रहा है। खोलो यार, मीटिंग चल रहा है भाई। हाँ कुछ जॉब से रिलेटेड इनका मीटिंग चल रहा है तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। विकास भाई बताएगा क्या मीटिंग चल रहा है। मैं ना ये सारा ग्रुप एकदम पागल हो गया कि अभी हम सब यहाँ पे हैं पर वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से लगा हुआ है और हम मतलब नंबर पे बिकॉज ही इज आदर्श भाई और उसने अपने नंबर पे, मैंने सुना लड़की का आवाज आ रहा था, उसने नंबर पे क्या नाम सेव करके रखा है? क्या? राग म्यूजिक। मुझे लगा कि कोई लड़के वड़के का होगा, किसी म्यूजिक प्रोडक्शन से कॉल आया हो क्योंकि हमारा भाई सिंगर भी अच्छा है मतलब है, तो मुझे लगा कि किसी म्यूजिक प्रोडक्शन से कॉल आया होगा तो इसलिए मैं बोला भाई म्यूजिक प्रोडक्शन, बाद में पता चला गया था लड़की का नंबर सेव करके रखा है। 4 घंटे से पहले नीचे ये वही है जहाँ पे 4 लोग पनीर खा रहे हो वहाँ पे ये घास खाएगा। अभी यहाँ पे 4 लोग हैं तो हम बात कर रहे हैं, मौज एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फिर ये बंदा वहाँ जाके ये जो बोल रहा है ना, ये 4 लोग पनीर खाते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो घास खाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या दम है बात, तो घास गधे खाते हम गधे ही समझ लो। जो लोग पनीर खाते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो लोग घास खाते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। गाइस लग रहा है भाई तेज तेज बात कर रहा है और हवा भी चल रहा है, भैया वो गिर जाएगा, जाने दे गिर जाएगा तो बोलो बाहर इधर इधर, अरे जाने दो ना, गिर जाएगा तो बोल देंगे भाई तुम चोर आया था, उसको लगा खिड़की के इधर सोना चांदी है, गया चुराने को पलटने नीचे, हमको नहीं पता, हम बम नहीं बचे। लॉक हो गया, खोलो अनु, जब मत जाओ वहां पे, रिस्की है प्लीज। अबे बारिश हुआ है, स्लिप हो गया। नहीं आप इधर ही बात करो, उधर बाहर देखो बहुत जगह है, उधर जाओ। इधर इधर साला इतना कॉल तो मुझे क्यों नहीं आता है भाई। तो गाइस चलो देखते हैं भाई का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, चलो दिखाते हैं। तो कहाँ तक पहुँचा है तुम लोग का? मेरा जीरा राइस बन रहा है, जीरा राइस इनका बन रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। और भाई मेरा ये पनीर हो गया, कलर देख सकते हो गाइस, ये देखो ग्रेवी मेरे भाई का दिखाया इधर से आओ इधर से। तो बताओ घर कैसा लगा? बहुत ही शानदार, एक एक जाएगा ना रिव्यू मांगना है ना सबसे, बहुत ही शानदार है। अब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना तो मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि कल से यही गुड़िया बिस्तर लाके यहाँ पे पड़े रहूँ एकदम मस्त आराम से, पर किस्मत देखो कल जाना है जोधपुर और वहाँ पे भी, पर घर
बहुत ही औसम है ये। सबसे पहले तो मेरी नजर जिस चीज ने खींची वो रहा ये व्यू। यहाँ से जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा व्यू होता है शाम के टाइम और सुबह के टाइम। वाह वाह वाह। इस भाई आप क्या बोलना चाहोगे इस घर? मैं ये कहना चाहूंगा ये घर नहीं महल है और ये हमारी बहन की मेहनत की कमाई है। ये है मेरी शिक्षक, इन्होंने बहुत मेहनत किया है जाके हटना। ये तो आ रहा है ये दोनों की हटना कसम से ये फ्लैग बहुत औसम है। आज मैं यहाँ पे ऐसे आया हूँ ना तकलीफ खा के खड्डे इतने खड्डों से बीतते हुए मेरी जिंदगी इतनी तकलीफ में बीती है ना कसम से। मैं आज ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे फ्लैट आया लेकिन मेरी बहन की मेहनत। अरे बात कर भाई, ओ पागल कर दे। अरे खटना कंजूस बोल लिया। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये जितना कुछ बोला ना दिल पे पत्थर रख के बोल रहा है। पत्थर गर्व होता है, गर्व गाइस इसका भगवान हनुमान ने फाड़ा था सीना तो राम और माता सीता दिखे थे। ये फाड़ेगा ना सीना तो पत्थर दिखेगा। पत्थर मैं सीना फाड़ूंगा ना किशन और कविता दिखेंगे। अरे अरे भाई दवा 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 दो भाई को दवा दो फाड़े। मुझे देखना है, मुझे देखना है क्योंकि मेरे लिए राम मेरा भाई है और सीता मेरी बहन है। अरे बाप रे ये हजम नहीं होगा। इस रामायण में लक्ष्मण भी भाई है। लक्ष्मण भी अरे तो तू लक्ष्मण हुआ तब तो। इस रामायण में लक्ष्मण भाई भी है लक्ष्मण साला भी है। अरे बाप सुनो 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 हमारे पास लोला है। लोला है लेकिन अच्छे लोगों की कमी है। आप भूल गए आगे का डायलॉग जा याद करके। इसने मुझे गद्दार कहा। वो क्या है ना बचपन में मैंने इसकी जो चड्डी थी वो मैंने आग लगा दी थी। इसने मुझे गद्दार नाम दे दिया क्योंकि वो चड्डी भी मेरे ही पैसे की थी और भाड़ा पहन रहा था तो मैंने आग लगा के मैंने क्या गलत किया उसके लिए मुझे गद्दार कहता है। मेरी कवि सिस्टर ये पूरियां बनाई। अरे यार सच में यार फोगी फोगी लग रही है। मतलब मेरा मजाक बनाना चाहती है या फिर तू भाई बोला मैंने नाम नहीं लिया कौन सा भाई। हाँ किशन भाई, किशन भाई सिंपल सा वो है देखा जाए पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान कैसे रहेंगे। सही बात है। अगर आज हम पेड़ पौधों से बात करते हैं कि तकनीक तक ये फोरिया फूक रही है ये बना रही है कल मैं मो वाओ यार ये तो पूरी पेट की तरह है मेरे। यहाँ पे भगवान कृष्ण अगर हम जान जान लेते हैं पेड़ से बात करते हैं कुछ कहना चाहती है नहीं ले सकते उस पेड़ से। ये फोरिया बिला रही है बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। आता है ना अच्छे से नहीं अच्छी बात है कुछ तो सीख मिली तुझे लग जाता था। तो गाइस हमारा खाना बन चुका है और मैं थक भी बहुत गई हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या बना है। चलो गाइस खाना सच में बहुत अच्छा बना है। चलो पूछते सबसे कि कैसा बना है। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो तो आप बनाए हो तो नहीं आपने बनाए हो आप राइस बनाए हो बहुत अच्छा भैया। इसको इतना अच्छा लग रहा है कि उसको बोलने को भी नहीं हो रहा है अभी। अनुज भाई बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है कसम से बोल रहा हूँ ना पूरे अच्छे हैं सब। कट विकास भाई पनीर पूछी तो है पूरी पे है पूरी अच्छी है चलो खा लेते हैं।
तो गाइस खाना खाने के बाद हो गए हम रेडी और हमें बनाना है अभी वीडियोस। चलते हैं वीडियो बनाते हैं, अभी बज रहा है 12:30 तो वीडियो भी बनाना है। चलते हैं चलते चलते कैसे अभी चलते नहीं भाई डेढ़ महीने से पूरा सॉरी ये स्ट्रगल अंदर क्या तुम्हें लग रहा है अभी किया अंदर अंदर किया है सांस रुक जाएगी सांस रुक जाएगी कहां सांस रुक पेट अंदर क्या है सब छोड़ो तुम लोग जिम कब से जा रहे हो ये तो बताओ अरे सीन क्या हुआ कल रात को हम लोग ने लेट खाया सो गाइस फाइनली वीडियो बन गया, अभी बज रहा है 2:00 हो रहे और वीडियो भी हमारा बन गया, सबका एक एक वीडियोस बना और गाइस ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। यस गाइस और मैं आज सो रही हूँ कविता दी के रूम में क्योंकि मेरे रूम में अनुज भाई विकास भाई सोएंगे इसलिए मुझे यहाँ पे सोना पड़ रहा है, नींद तो नहीं आएगी पर ट्राई करूंगी। और गाइस ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और गाइस होम टूर ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, इंतज़ार करो थोड़ा सा।